आज अनेक कथाएं चलती हैं और उन कथाओं में कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी या कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। गीता को सुनने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, यह मैं कह रहा हूं आपको। गीता के कर्मवाद के सिद्धांत पर जब आप चलेंगे तो आपको अपने कर्तव्य की पूर्ति का एहसास होगा। जय श्री कृष्ण। बंधुओं, गीता का जो ज्ञान है वो एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी आपके संशय को, कोई भी संदेह हो, कोई भी शंका हो, उसका समाधान उसके अंदर है। महारथी अर्जुन श्री कृष्ण से जो प्रश्न करते हैं, हम सबको ये लगेगा कि ये प्रश्न हमारे मन में है, कहीं न कहीं हमारे अंदर ये प्रश्न चल रहा है और पता नहीं ईश्वर की ये महिमा है कि वो हमारे सारी शंका और समाधान कृष्ण ने बताया और शंका अर्जुन ने बताई। हमारी अपनी सारी शंकाओं को अर्जुन के मुंह से भगवान ने निकलवा कर खुद भगवान के मुंह से उनका समाधान है। ऐसा पवित्र ग्रंथ जिस कौम के पास हो, जिस राष्ट्र के पास हो, वो आज प्रेरणा के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों के यहां लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आइए आज हम प्रयास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन शंकाओं को कैसे समाधान किया। हम प्रथम अध्याय की बात करें तो यह शुरू होता है कि धर्म महाराज धृतराष्ट्र राजसारथी संजय से कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम काश्चे पांडवाश्चे किम कुर्वत संजय। एक बात मैं यहां बता देना चाहता हूं, बहुत से लोग समझते हैं कि गीता की भाषा बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, पर मैं आपसे कहता हूं गीता की भाषा बहुत ही सरल और सहज है। उसको समझने के लिए व्यक्ति यदि तैयार हो तो गीता की भाषा वैसी है जैसी आपकी अपनी भाषा है। कठिन और क्लिष्ट इसको उन लोगों ने बना दिया है जो इसके टीकाकार हैं, जो टीका के नाम पर अपनी विचारधारा उसके अंदर घुसेड़ते हैं, जिसको मिश्रण करते हैं, अर्थात वैचारिक वर्ण संकरता प्रदान करते हैं। आज बहुत से ऐसे महानुभाव भी हैं जो कहते हैं कि गीता का तो युद्ध हुआ ही नहीं था, ये तो केवल मन की और हृदय की बात है जो एक साधक के अंदर उठी और उसके अंदर ही उसी की आत्मा ने, उसी के प्रेरक शक्ति ने उसको समाधान दे दिया। ऐसे लोग वास्तव में पूर्णतः नास्तिक हैं, जो भले ही किसी भी तरह के झोले में हों। गीता भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने दोनों का वार्तालाप है और वो वार्तालाप युद्ध भूमि के रणक्षेत्र के बीच है जहां दोनों ओर की सेनाएं सशस्त्र थी। और धृतराष्ट्र से ये गीता धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होती है और अंत में ये गीता संजय के श्लोक से समाप्त होती है। गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक है जो धर्म धृतराष्ट्र राजसारथी संजय से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? धर्म क्षेत्र। अब मैं इस श्लोक को बोलता हूं और आप खुद समझेंगे कि कितनी सरल भाषा है गीता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम काश्चे पांडवाश्चे किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र हमारा जो आज का हरित प्रदेश हरियाणा प्रदेश है, वहां का एक बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक स्थल जो कुरुक्षेत्र है उसमें, क्योंकि यहां पर कौरव और पांडवों की सेनाओं में महायुद्ध हुआ था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, समवेता का मतलब होता है समवेत, एकत्रित हुए, एक जगह इकट्ठे हुए। युयुत्सव का मतलब युद्ध की इच्छा से। मामकाश्चे, अब इस मामकाश्चे का भी क्या मुझे अर्थ करना पड़ेगा। मामकाश्चे मतलब मेरे, पांडुवाश्चे यानी पांडव के, किम माने क्या, ये तो हमारी लौकिक भाषा है जो बहुत से क्षेत्र में बोली जाती है। हरियाणा के प्रदेश में किम खूब बोला जाता है। किम का अर्थ कहता है किम कर रहा है भाई, किम यानी क्या। किम कुरुवत संजय, अब आप ब्रज में चले जाइए वहां कुरुवत का अर्थ पता चल जाएगा। कुरुवत का मतलब है क्या कर रहे हो और संजय का अर्थ संजय। इतनी साधारण सी भाषा को यदि टीकाकार इसको क्लिष्ट बनाते हैं तो इसमें ना तो कृष्ण का दोष है, ना अर्जुन का,
ना आपका ना हमारा, ये तो उन महान टीकाकारों का दोष है जो इसको इतना क्लिष्ट बनाकर पेश करना चाहते हैं कि आम जनता, आम प्रजा इससे दूर हट जाए। और इस गीता के ज्ञान से दूर हटने का जो दुष्परिणाम हुआ है वो क्या हुआ है? वो हुआ है व्यक्ति कर्म की महिमा को भूल गया, कर्म से दूर हट गया। आज अनेक कथाएं चलती हैं और उन कथाओं में कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी या कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। गीता को सुनने से आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, यह मैं कह रहा हूं आपको। गीता के कर्मवाद के सिद्धांत पर जब आप चलेंगे तो आपको अपने कर्तव्य की पूर्ति का एहसास होगा और तब आपका कल्याण होगा। यह गीता बार बार आपको बताती जाएगी। ये शुरू होती है, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि उस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, और फिर संजय बताते हैं, क्या बताते हैं संजय, कि दोनों ओर की सेना खड़ी हुई है और उन दोनों सेनाओं के बीच में श्वेत अश्वों के रथ पर जिसकी ग्रास अश्वों की किसके हाथ में है, स्वयं गूढ़ा केस भगवान गोविंद वासुदेव श्री कृष्ण के हाथ में, और उस पर अर्जुन गांडीव लेकर रथ पर रथी की जगह बैठे हुए हैं और वो तेजी से रथ आगे बढ़ रहा है। दोनों ओर के महान सेना नायकों का जिक्र होता है और वो बताते हैं कि दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाकर कहते हैं, द्रोण के पास जाकर कहते हैं कि मेरी सेना में जो प्रधान सेनापति हैं और जो प्रधान योद्धा हैं उनका वो वर्णन करते हैं कि इसके अंदर कालजयी भीष्म हैं। कौन है? कालजयी भीष्म उस सेना के प्रधान सेनापति हैं और सारी सेना उनके द्वारा रक्षित है, और आचार्य कृप, अश्वस्थामा, विकर्ण, इसके अंदर कर्ण, इसके अंदर दुशासन, इसके अंदर स्वयं आप यानी आचार्य द्रोण और महारथी शल्य, ऐसे ही अनेक महारथी। और इसी तरीके से पांडवों की सेना में बताते हैं कि उनमें सबसे प्रधान प्रधान जो हैं वो द्रुपद पुत्र आपके शिष्य यानी आचार्य द्रोण के द्वारा धनुर्विद्या की शिक्षा जिनको मिली, वो धृष्टद्युम्न द्वारा रक्षित यानी धृष्टद्युम्न द्वारा उस सेना के सेनापति हैं, और बलों में बलवानों में सबसे श्रेष्ठ भीम, महाबली भीम के द्वारा रक्षित वो सेना जिसमें अर्जुन है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, उसके अंदर कुंती भोज है जो माता कुंती के पालक पिता है, उसके अंदर वासुदेव श्री कृष्ण रथ को हांक रहे हैं और उस रथ पर अर्जुन विराजमान है, उसके प्रधान द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, उसके अंदर सात्यकी है, और ऐसे ही बहुत से महान योद्धा। और दुर्योधन कहते हैं कि आप और पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमेय है यानी जिसका पार नहीं पाया जा सकता, और भीम द्वारा रक्षित सेना जिसको पार पाया जा सकता है। इसी बीच में पितामह भीष्म अपना शंख उठाते हैं और शंखनाद करते हैं जिससे दुर्योधन प्रसन्न होता है। इधर से पितामह भीष्म के शंखनाद करते ही उधर से भी पांचों पांडवों ने और वासुदेव श्री कृष्ण ने और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, सात्यकी ने, सबने अपने अपने शंखों का शंखनाद किया। दोनों ओर की सेनाएं एकत्रित हो गई। अब शंखनाद हो जाने के बाद युद्ध न होने की कोई स्थिति नहीं है, अब युद्ध होना ही है। और ऐसी विषम परिस्थिति में अर्जुन कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण को, हे माधव, मेरे रथ को इस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दीजिए जहां से दोनों ओर की सेनाओं को मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग मुझसे लड़ने आए हैं और कौन कौन से लोग हमारी तरफ से लड़ने आए। वासुदेव श्री कृष्ण तो मन की बात जानने वाले, वो समझ गए कि अब अर्जुन को कहीं न कहीं डगमगाहट है इस युद्ध को लड़ने के लिए, और वो रथ को खड़ा कर देते हैं पितामह भीष्म के समक्ष। और फिर अर्जुन कहते हैं, मेरे पितामह, मेरे आचार्य, मेरे मामा शल्य, मेरे काका के बेटे, बड़े पिता के बेटे, ये सब मेरे सामने खड़े हैं और संसार भर का क्षत्रिय आज यहां एकत्रित हो गए। कृष्ण कहते हैं कि हां, यहां रुक्मी, रुक्मी बड़े भ्राता बलराम,
उनको छोड़कर संसार भर का क्षत्रिय एकत्रित है जो एक दूसरे को मरने और मारने को आतुर हैं, और इस युद्ध में कोई नहीं बचेगा माधव, अर्जुन कहते हैं। और यदि यह सब युद्ध हुआ तो महाभीषण संग्राम होगा, और उस महाभीषण संग्राम में एक दूसरे को ये मार देंगे और हमारे कुल की सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और स्त्रियों के विधवा हो जाने के बाद वो व्यभिचार में लिप्त हो सकती हैं और व्यभिचार में प्रदूषित हो सकती हैं। प्रदूषित होने के बाद उन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान पैदा हो सकती है, और वर्ण संकर संतान की तो पिंडों तक क्रिया भी नहीं लगती, अर्थात जो महान पूर्वज जिनका हम श्राद्ध कर्म करते हैं वो स्वर्ग में विराजमान हैं, वो भी नीचे गिर जाएंगे। हे वासुदेव कृष्ण, ये दुर्योधन और कौरव तो दुर्बुद्धि हैं, इनको इतनी समझ नहीं है कि ये इस युद्ध को ना लड़ें और इस महाविनाश से बचाएं, पर आप और हम तो समझदार व्यक्ति हैं, इस युद्ध को रोकने के लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज ये बात कही गई होती तो लोग उस अर्जुन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिला देते। बड़ी अच्छा भाई, शांति चाहिए, उन्हें छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए उसको। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को फटकारा। उन्होंने कहा, जो दूसरा अध्याय कहते हैं जिसको, कसमल उपस्थितम, ये तुझे कैसे विषम परिस्थिति में ये ज्ञान पैदा हुआ है, ये क्या तू कापड़ते दोस्तों अपत स्वभाव, तुमने जो ये तुम्हारा स्वभाव है ये कायरता ने अपहरण कर लिया है, इसलिए तुम इस तरह की बात कहते हैं। प्रथम अध्याय यहीं तक जाता है और अर्जुन जो है रथ के पिछवाड़े में पृष्ठभाग में बैठ जाते हैं। जय श्री कृष्ण।